तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो गुडलॉक ऐप होता है दोस्तों, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है लॉक स्टार मॉड्यूल। उसके अंदर एक अपडेट आया, तो उस अपडेट के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। उस अपडेट के बाद क्या चेंजेस हुए हैं और क्या आपको चेंजेस मिलेंगे, आप बोल सकते हैं क्या नए फीचर वहां पर एड ऑन किए गए, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो उसके मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो यार पहुंच पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको सैमसंग का जो गुडलक ऐप होता है उसके अंदर एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां जाना है पहले अपने मोबाइल के आपको गुडलॉक ऐप में चले जाना है। गुडलॉक ऐप में जाने के बाद आप वहां पर देखेंगे लॉक स्टोर जो कि आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा, यहां पर आप देखेंगे आपको एन का निशान दिख रहा होगा कि मतलब यहां कोई नया अपडेट आया। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएगा वहां पर गैलेक्सी स्टोर में और आपको अपडेट के लिए बता देगा। अगर आपको नहीं पता कि पहले से लॉक स्टार ऐप को कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ इसके अपडेट के और नए चेंजेस के बारे में बताने वाला हूं। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, ये अपडेट जो कि इसका वर्जन है V30.0.26 वर्जन का नाम है। इसमें क्या लिखा है, द प्रॉब्लम दैट नोटिफिकेशन कार्ड इज नॉट सेंटर इन लाइन। अगर आप नोटिफिकेशन को मैनेज वहां पर सेट करते थे लॉक स्टार में, तो वो आप मिड में सेट नहीं कर सकते थे, या बोल सकते हैं सेंटर में नहीं कर सकते, बट इसके बाद यहाँ प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया गया है। और साथ में क्या गया है, वेन अगर आपने कोई थीम अप्लाई कर रखी हो तो आप वहां पर आइकन का कलर को चेंज नहीं कर सकते थे, उसको भी यहां पर कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। तो उसको अपडेट करके देखते हैं क्या किया गया है। और साथ में अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया, 21 जुलाई 2022 को इसको रोल आउट किया गया है। तो ये धीरे धीरे रोल आउट होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया 61 MB का ये अपडेट है। तो हम इसको कर लेता हूं अपडेट, अपडेट के बाद देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद आपको करना क्या है, यहां से डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, आपको जाना है वापस अपनी गुडलक ऐप में। गुडलक ऐप के जाने के बाद आपको यहां पर लॉक स्टार को ओपन कर लेना। जैसे आप ओपन करेंगे तो पहले, तो अगर आपने इसको पहले यूज करा होगा या फिर आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, तो उसका लेआउट पहले अलग आता था, अब इसका लेआउट यहां पर चेंज हो गया। अब आपको यहां पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए भी आप एडिट कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी दे दिया गया है। और नॉर्मल पहले तो आप करते ही थे। उसके बाद यहां 3 डॉट्स में आप देखेंगे तो सेट वॉलपेपर कर सकते हैं, जो कि शायद मेरे हिसाब से कंबाइन में सेट हो जाएगा, या फिर लॉक स्क्रीन के लिए आप सिंपल यहां से डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया यहां पर पहला तो इंटरफेरेंस। यहां पर सबसे पहला चेंजेस तो यही लग रहा है मुझे इस अपडेट के बाद ये हुआ है। उसके बाद मैं यहां पर आ गया हूं लॉक स्टार पे। लॉक स्टार पे आने के बाद आप देखेंगे यहां पर एक बीच में अलग से सेंटर सी रो दिख रही होगी, जो कि पहले नहीं आता था। तो सबसे पहला चेंजेस यही कि आप सेंटर में इसको, बिल्कुल सेंटर में ही आप इसको मैनेज करके इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहला जो चेंजेस था, मतलब सेकंड चेंजेस ये किया गया है। यहां पर आपने और देखेंगे जो भी आप यहां नोटिफिकेशन है उसको इजीली अप डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसमें कुछ करेक्शन करना हो तो आपको, आप देखेंगे लॉक स्टार में आपको बॉक्सेस बने दिख रहेंगे, आप उस बॉक्सेस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा ओपन हो जाएगा। ये भी पहले नहीं आता था। आप नोटिफिकेशन की काउंटिंग भी बढ़ा सकते हैं कि कितनी काउंटिंग आए, जैसे लाइक 3, मैक्सिमम आप 3 तक यहां पर इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो नाम लिखा रहा है ऐप का, उसकी जगह ऐप का आइकन बना जाए, तो आप ऐप आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर आप उसकी स्केल भी क्लिक कर सकते हैं, कितना इसका स्केल रहे, कितनी ट्रांसपेरेंसी रहे। और यहां पर जो वहां पर जो दिया गया था सेकंड, कि कलर आप इजीली यहां पर चेंज भी कर सकते हैं, तो आप इसके यहां पर कलर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज भी यहां पर दी गई है, आप देख सकते हैं ये कलर यहां पर मॉडिफिकेशन हो गया और आप इसको इजीली कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेकंड जो उसके हिसाब से चेंजेस था, जो यहां पर लिखा हुआ था, सबसे पहला मैंने आपको बता दिया सेंटर अलाइन, और द कलर का नोटिफिकेशन आइकन का कलर भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। तो सेकंड चेंज यही था। उसके बाद यहां पर जो मुझे चेंजेस लगे गए हैं, जो उसका एलिमेंट पूरा स्टाइल है वो चेंज कर दिया गया। यहाँ पर आप स्टिकर ऐड कर सकते हैं, स्टिकर का ऑप्शन दे दिया गया जो कि पहले नहीं आता था। आप यहाँ पर स्टिकर को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो स्टिकर यहाँ पर शायद ये आपको दिख रहा है, तो इतने सारे यहाँ स्टिकर मिल जाएंगे। आप स्टिकर को भी यहाँ पर चेंज और कहीं लगा सकते हैं, ये भी पहले नहीं आता था, अभी यहाँ पर एड ऑन किया गया है। और साथ में अगर आप लॉक आइकन का निशान नहीं चाहते तो वो भी आप हटा सकते हैं। तो ये ऐसा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, ये अपडेट्स में यहाँ पर दिए गए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ नीचे जो ऐप शॉर्टकट्स आते थे, आप उसको भी यहाँ से आप देखेंगे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रोज दे दी गई है, रो के स्टाइल को आपको एक एक करके यहाँ पर दे दिया गया, तो आप अपने हिसाब से उसको अलाइन कर सकते हैं। ये तो पहले भी था बट उसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों, जो मेन चेंज यहाँ पर है, आप यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली स्क्रीन होती है उसको भी आप यहां पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप यहां पर जाएंगे, यहां पर आने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आपको यहां टाइम पे जाएंगे तो आप यहां पर आपको इतनी सारी क्लॉक मिल जाएंगी, आप यहां पर सेट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको बैटरी परसेंट चाहिए तो आप बैटरी परसेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं। यहां पर नीचे आइकन्स आ रहे हैं तो आप ये आइकन ही रहेंगे यहां पर, और
और यहाँ पर और कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होने वाला, सिर्फ आप क्लॉक स्टाइल को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और साथ में आप नीचे देखेंगे वहाँ पर आप डिफॉल्ट टाइम को भी सेट कर सकते हैं, मतलब डिफॉल्ट जो भी आपका टाइम है वो रहे, या फिर आप यहाँ 15 सेकंड तक सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नया अपडेट था, और प्रॉपर अगर आपको सीखना हो क्लॉक स्टाइल कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बन रखी जो कि मैंने पहले ही कहा आपको मैं आई बटन पर दे दूंगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है तो मेरी वीडियो कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में नोटिफिकेशन वाला आइकन दिख रहा है ना उसको दबाना भी ना भूलो, ताकि मैं जैसी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।